इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कौन से कंपाउंड हेट्रो एंड एलीसाइक्लिक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम हेट्रोसाइक्लिक चेक कर लेते हैं। हेट्रोसाइक्लिक वो कंपाउंड होंगे जिसमें जो रिंग बनाने में कार्बन के अलावा कोई और एटम यूज हुए, तो उसे हम हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें इस रिंग में एक ऑक्सीजन एटम यूज हो रही है, तो ये हमारे लिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। सिंपली इसमें देखें तो ये कार्बन के अलावा एक नाइट्रोजन एटम यूज हो रहा है, ये भी एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। इसमें रिंग को कंस्ट्रक्ट करने में सिर्फ कार्बन एटम है, वो ऑक्सीजन एटम है लेकिन वो रिंग के बाहर है, इसलिए ये हेट्रोसाइक्लिक एटम नहीं हुआ। हेट्रोसाइक्लिक कार्बन नहीं, सॉरी रिंग नहीं हुई। सिमिलरली इसमें देखें तो ये ऑक्सीजन एटम रिंग को कंस्टिट्यूट कर रही है, इसलिए हेट्रोसाइक्लिक है। सिमिलरली ये नाइट्रोजन एटम इस रिंग को कंस्टिट्यूट है, तो हेट्रोसाइक्लिक है। और इसमें सिर्फ कार्बन एटम है, इसलिए कोई ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग नहीं हुई। सिमिलरली अब हम देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन, ये अगर हम यहाँ पे कॉन्जुगेशन देखें, यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन है, दो पाई इलेक्ट्रॉन, ये दो पाई इलेक्ट्रॉन और ये दो इलेक्ट्रॉन, जो कि कॉन्जुगेशन में है, ये सारे साइक्लिक कॉन्जुगेशन में है और ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये डेवाई हक्कल रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और ये एरोमेटिसिटी गेन कर रहे हैं, इसका मतलब ये एलीसाइक्लिक नहीं, ये एरोमेटिक है, तो हमारे हिसाब से ये एलीसाइक्लिक नहीं है। सिमिलरली इसमें हम देखें तो ये दो इलेक्ट्रॉन, ये भी दो इलेक्ट्रॉन, फिर दो इलेक्ट्रॉन, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो गए और जो कि साइक्लिक कॉन्जुगेशन में है, इसलिए ये भी एरोमेटिक है, तो इसका मतलब ये एलीसाइक्लिक नहीं है। सिमिलरली इसमें देखें क्योंकि हम ये जानते हैं ये बेंजीन है और ये OH ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो अगर हम बेंजीन रिंग को देखें तो ये तो ऑलवेज एरोमेटिक होती है, तो इसलिए ये एरोमेटिक है लेकिन एलीसाइक्लिक नहीं है। सिमिलरली इसमें देखें हम तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे ये SP3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये कॉन्जुगेशन कम्प्लीट नहीं हुआ, इसलिए ये एरोमेटिक नहीं है, और जो एरोमेटिक नहीं होते उसे हम एलीसाइक्लिक बोलते हैं, तो ये एलीसाइक्लिक है। सिमिलरली इसमें देखें हम तो इसमें भी यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये SP3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो ये साइक्लिक कॉन्जुगेशन ब्रेक हो चुका है, तो ये एरोमेटिक नहीं हो सकता, तो एरोमेटिक नहीं है तो ये एलीसाइक्लिक होगा। सिमिलरली इसमें भी हम देख सकते हैं ये एरोमेटिक तो है नहीं क्योंकि यहाँ पे SP3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो आ चुका है, तो ये साइक्लिक कॉन्जुगेशन टूट चुका है, तो यहाँ पे भी ये भी एक एलीसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक कंपाउंड हमारे पास आ रहा है जो कि हेट्रो एंड एलीसाइक्लिक है, तो एक कंपाउंड ये भी आ रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन डी एंड ई एलीसाइक्लिक है, ऑप्शन डी एंड ई एलीसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आ जाएंगे। थैंक यू।